All of you. In last lecture, we will discuss the sum properties of addition and subtraction. Now, we will start the properties of addition and subtraction in cumulative way. That day we have discussed. Now, we will discuss today in large way. Okay? These properties we have discussed in class 5 also. But for the numbers, they are the whole numbers and simple numbers. Kya hai? Sabse pehle hum padhenge closure property. अब इसमें यहाँ टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, और यहाँ भी टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है. तो हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? 5 में ऐड करो 7 को, कुछ आंसर आएगा? 5 प्लस 7 कितना होगा? 12 होगा. तो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. मीन्स व्हेन वी हैव टू ऐड देम एनी टू इंटीजर्स, वी विल गेट द थर्ड इंटीजर. मिलेगा कोई सा भी इंटीजर्स ले लो, आप पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी ले सकते हो. -1 प्लस -2, देन वी विल गेट -3. ओके, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन आल्सो, यहां पर मैं चेंज कर देती हूं, क्या होगा? -5 -7 दैट इज -2, देन -1 -2, that is again answer will be changed. What is the answer? That will be the -+1 is there. But what we have concluded ki hamare closure property chahe addition ho chahe subtraction follow hogi. You can easily observe here ke follow ho rahi hai. Ab now next dekhiye, next kya hai? Next is what? नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? आपका हमसे रिलेशन, हमारा आपसे रिलेशन. मीन्स इफ द 2+7 इज वी कैन फाइंड आउट, तो 7+2 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. होगा इक्वल सब सारे इंडिजेस के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. बट If I am talking about the subtraction, what will happen? मैंने 2+5 की 7 की जगह 2-7 करा, तो ये -5 आया. Yes? ये -5 आया. अब अगर मैं इसकी जगह 7-2 करती तो क्या वो -5 आता? क्या वो +5 आता? और we know that कि -5+5 के equal होता है? नहीं होता है. Okay? Understood? तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है पॉजिटिव में तो फॉलो होती है. पॉजिटिव मतलब एडिशन में तो फॉलो होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी. यहां तो होती है, यहां बड़ा वाला क्रॉस लगा, यहां नहीं होती. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस अबाउट. हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा. क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में फॉलो होगी. क्यों होगी? क्योंकि दो को जब आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे कोई नंबर तो आएगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाएगा. अगर जीरो आएगा तो भी क्या है? वो इंटीजर है. ओके, नाउ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन इज फॉलो एंड सब्ट्रैक्शन विल नॉट फॉलो. कैसे फॉलो नहीं होता? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स 3 नंबर्स आर देयर. सपोज ये है, इसका आंसर आई थिंक एवरीबडी कैन कैलकुलेट इट इजीली, इट्स अ वेरी इजी 8. अब इसकी जगह अगर मैं इस ब्रैकेट का ही, मतलब पता है आपको यूज ऑफ ब्रैकेट्स, यू हैव डिस्कस इन क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ाया हमने यूज ऑफ ब्रैकेट क्या होता है. पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको सॉल्व करते हैं. तो यहां मैं कैसे सॉल्व करूंगी? 3+5 दैट इज इक्वल्स टू 8. और इसकी जगह पे अगर मैंने ये कर दिया कि 3+3+2 किया. ओके, तो 3+3+2 किया, आंसर तो 8 ही आएगा. लेकिन किस तरीके से आएगा? यहां पर जो पैटर्न था, स्टेप्स जो थी, नेक्स्ट स्टेप दैट इज दिस. और यहां नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, सो इट इज 6+2 दैट इज इक्वल्स टू 8. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और डेफिनेटली यू कैन ऑब्जर्व हियर सब्ट्रैक्शन में फॉलो होगी क्या? चलो कर लेते हैं, बाई चांस फॉलो हो जाए. मैं यहाँ सब जगह माइनस साइन लगाती हूँ, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, तो यहाँ पर
माइनस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस टू इज वन, आंसर आ गया हमारे पास, कितना आंसर आ गया हमारे पास, टू। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, थ्री, अब मुझे अंदर प्रॉब्लम हो गई, मैं यहाँ माइनस, यहाँ तो मैं माइनस लिख दूंगी, यहाँ वाला माइनस, माइनस थ्री, अब देखना थ्री माइनस थ्री सेम इंटीजर्स विद अपोजिट साइन क्या होगा, ये तो जीरो हो गया, यहाँ क्या आ गया माइनस टू, आंसर ये आएगा क्या, नहीं ये नहीं आएगा, क्या आएगा आंसर, आंसर माइनस टू, नॉट फॉलो, बिग बिग क्रॉस, ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टी नंबर वन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर ऑफ टू कम्यूटेटिव, देन एसोसिएटिव ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स, एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या करना होगा, एड करने की कोई आइडेंटिटी हो, तो एडिशन के लिए क्या आइडेंटिटी है, जीरो को किसी में भी एड करो यू विल गेट द सेम नंबर, दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एंड एडिटिव इनवर्स वी कैन फाइंड आउट, एडिटिव इनवर्स मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स दोनों में बहुत डिफरेंस है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, फाइव, इसमें ऐड किया जीरो या फिर जीरो में ऐड किया फाइव, दोनों केस में आंसर फाइव आ रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी, फाइव में से जीरो करूंगी या फाइव माइनस करूंगी, क्या आंसर इक्वल आएगा, ये तो फाइव है और ये तो माइनस फाइव है, फाइव और माइनस फाइव में तो बहुत डिफरेंस होता है, यू कैन ऑब्जर्व इट ऑन द नंबर लाइन इजीली, ओके, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो नहीं होगी, एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन में फॉलो होती है। नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है जो इसको भी एड करना है उसका इनवर्स, फाइव है मैं इसका इनवर्स क्या लिखूंगी, माइनस फाइव, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट, एडिटिव इनवर्स ऐड करने पे, इसको ऐड करने पे, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, स्टूडेंट्स फाइव में से माइनस फाइव सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो आता है, लेकिन फाइव और माइनस फाइव नहीं लेना है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है एडिशन के लिए, ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो हो रही है नहीं हो रही, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखेंगे, तो एडिशन के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एडिशन, तो एडिशन के लिए क्या करेंगे, फाइव ऐड किया माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, मतलब सेवन ऐड किया माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो, प्रॉपर्टीज फॉलो, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में सेवन में से माइनस, सेवन में से माइनस किया सेवन जीरो, अब आप बोलोगे मैम एडिटिव आइडेंटिटी यहां फॉलो होगी, नहीं होगी क्योंकि हमें माइनस करना पड़ेगा माइनस सेवन को, नंबर डिफरेंट होने चाहिए तभी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो यहां नहीं होगी, एडिटिव इनवर्स होगा सब्ट्रैक्शन में तो यस होगा, कैसे होगा, हमें सेवन में एड करना है माइनस सेवन, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स इन एडिशन, अगर मैं एड कर दू सेवन में, सेवन में से सब्ट्रैक्ट कर दू सेवन को तो ये जीरो आ जाएगा, तो हमारे इस सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो होगी। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके, नंबर वन इज क्लोजर, देन कम्यूटेटिव, देन associative, then additive identity, then additive inverse. These are the properties. अब क्या होगा इसके regarding हम questions भी करेंगे next classes में, okay? There is one example is given to you for you. What is this? 15 plus 3. 15 plus 3
by mistakenly it is written plus 5 plus 3 that is equals to 8, that is the integer. Minus 7 plus 3 that is equals to minus 4, this is also the integers. We can calculate it to draw on the number line, okay? 20 plus 3 plus 7 that is equals to 10, or in place of this I write 7 plus 3 also. Similarly, 4 minus 5 that is equals to minus 1 and 5 minus 4 is equals to 1. Mam, ye to bahut lamba ho gaya, kaise ho gaya? मैं समझ में नहीं आ रहा. तो कोई बात नहीं, हम ड्रॉ करते हैं लाइन, नंबर लाइन वेयर वी शुड ड्रॉ. ठीक है, यहां नंबर लाइन ड्रॉ कर देते, क्वेश्चन थ्री को भूल जाओ अभी. आई विल ड्रॉ द नंबर लाइन. ये है हमारा जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर. क्या करा? प्लस फाइव, फाइव मेरा प्लस फाइव में ऐड करना है प्लस थ्री, प्लस फाइव ये रहा. अब मुझे क्या करना है? ऐड करना है. क्या ऐड करना है? प्लस थ्री. तो प्लस थ्री पॉजिटिव साइन इज देयर, तो मैं किधर मूव करेंगी मैम? राइट में. सो फाइव सिक्स सेवन एट, आपका आंसर क्या आ जाएगा? एट. अगर इसकी जगह अपोजिट होता, एट में से, सॉरी सेवन एंड एट, ओके. माइनस सेवन, माइनस सेवन के लिए नंबर लाइन नेक्स्ट बनानी पड़ेगी हमें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन, सो इट इज यू विल नॉट बी इन कंफ्यूजन. हमें ये वाली लाइन देखनी, टू प्लस थ्री प्लस फाइव. मैंने क्या किया? पहले ऐड किया, ब्रैकेट को पहले यूज करेंगे, हमें पता है ये बात कि हमें पहले ब्रैकेट यूज करना है. तो थ्री प्लस फाइव को ऐड किया तो एट, टू प्लस एट दैट इज इक्वल्स टू टेन. इन प्लेस ऑफ दिस अगर टू प्लस थ्री को ऐड किया, प्लस फाइव किया, तो टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. डिस्कस हुई थी ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसकी? एडिशन की. अब यहां वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन टू यू. वन माइनस सेवन माइनस नाइन इज रिटन, तो सेवन में से नाइन माइनस करना है तो माइनस टू आएगा. अब ये कैसे आएगा? नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लो. तो वन माइनस टू हो गया, माइनस माइनस प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू थ्री. एंड वन माइनस सेवन इन प्लेस ऑफ दिस, अगर ऐसा होता कि ये दोनों पहले होते तो वन माइनस सेवन माइनस सिक्स हो गया, माइनस नाइन माइनस फिफ्टीन. ओ माई गॉड, द आंसर्स आर डिफरेंट. सो वॉट वी कैन कंक्लूड हियर, वॉट वी कैन कंक्लूड हियर, हमें यहां समझ में आ गया है कि हमारे एडिशन में तो प्रॉपर्टी फॉलो होती है एसोसिएटिव, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती. क्योंकि देखो यहाँ आंसर थ्री है, यहाँ आंसर माइनस फिफ्टीन है, बट हियर इज आंसर इज टेन एंड हियर इज ऑल्सो आंसर टेन. और हमें पता है कि एसोसिएटिव में फॉलो होती है प्रॉपर्टी. सो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, एंड उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से जो साइन का जो चेंजेस है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू. वेलकम टू द मनी द लर्निंग एप. नाउ टुडे वी विल एक्सप्लेन यू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. Two positive numbers, one positive and one negative numbers. Now, what is this? Multiplication में क्या होगा? Integers है. Integers है तो वो क्या होंगे? Positive भी होंगे, negative भी होंगे, या फिर zero भी हो सकता है. ठीक है? So, in case of multiplication of integers, two positive integers, positive numbers we can multiply. जैसे 5 को multiply किया 6 से, 5 6 से 30. 9 is multiplied by 10, we will get it
9090. Then one positive and one negative, or one negative to one positive numbers. In general, till class 5, we have discussed about the calculation of positive numbers only. अब यहाँ पर क्या है? Integers है. Integers में क्या आएगा? Positive भी आएंगे और negative भी आएंगे. तो यहाँ -7 है, multiply किया 9 से. कोई problem नहीं है. हमें इस minus से कुछ मतलब नहीं है अभी. अब हमें just leave it about this minus. Don't think about this minus. What we have to think? कि 7 को मल्टीप्लाई करना है. किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 को 9 से. 7 9 जा 63, और दोनों में से अगर एक में भी नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, चाहे वो फर्स्ट वाले में हो चाहे वो सेकंड वाले में हो. अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और उसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लाई करना है जो हम करते हैं, बट साथ में हमें नेगेटिव साइन लगाना है. 13 × 5 = 65. एक नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लगेगा, यहाँ पर भी एक नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आएगा आंसर में. और मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना आता है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 121. 10 is multiplied by -10. Again, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है. और साथ में 100 -5. अब नेक्स्ट है टू नेगेटिव नंबर्स. When we will multiply the two negative numbers, what will happen? जब टू नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो नंबर है उसको तो मल्टीप्लाई कर दो, बट जो दोनों जगह माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस भी क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई में, मतलब माइनस साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना माइनस साइन से, तो ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन चेंज होते हैं. तो यहाँ -40 -20 माइनस माइनस प्लस. और आपको पता है कि सारे इंटीजर्स आपने जूनियर सेक्शंस में जो नंबर्स पढ़े हैं, हमें लिखा 800, इसको लिखने की जरूरत है कि प्लस 800? ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि 800 का मतलब प्लस ही है. और आप अगर लिख भी दोगे तब भी कोई मिस्टेक नहीं होगी. -5 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज +5. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने फर्स्ट रूल क्या समझा है कि दो पॉजिटिव नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लास्ट दोनों नेगेटिव हो तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. बट हमें क्या ध्यान रखना है कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो साइन पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो नेगेटिव साइन, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो तो अगेन नेगेटिव साइन. There is a sign system. It's very important. Till the higher classes, it's a very important topic. हमें जितनी भी पढ़ाई ना, even whole life में ये बहुत important है. जब भी हमें integers को calculate करना है, multiply करना है, तो ये rule जो 4 rules are there ना, they are very important. ये जो कल last हमने example में देख, हमने theory में पढ़ा, क्या पढ़ा है हमने? ये जो हमने examples में देखा ना, कि जब हमें दो को पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आया, ठीक है. अब आप यहां देखना, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आया, ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि नेगेटिव वाले को देखा, हमने चेक किया है, नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव से तो अगेन क्या आया? नेगेटिव को पॉजिटिव से अगेन नेगेटिव आया आंसर. फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को, देन नेगेटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव. मींस सिंपल, हमें कोई लर्न नहीं करना है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि अगर सेम साइन होगा तो मल्टीप्लीकेशन में साइन नहीं आएगा. सिंपल, देखिए आप, यू कैन ऑब्जर्व हियर, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव ही आ रहा है. तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है? सेम साइन होंगे तो साइन नहीं आएगा, और अगर एक अपोजिट साइन होंगे, देखो अपोजिट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस आएगा.
और प्लस माइनस है तब भी माइनस आएगा। सिंपल, हम नंबर्स लेते हैं 5 और 10, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है मल्टीप्लाई किया 50 आ गया, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, माइनस 5 है उसमें मल्टीप्लाई किया 10, तो आंसर तो 50 आएगा। बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है दोनों के आंसर डिफरेंट है, मींस दोनों में एक में माइनस लिखा हुआ है एक में प्लस लिखा हुआ है, तो आंसर माइनस। थर्ड, एक में 5 है एक में माइनस 10 है, तो अगेन आंसर नेगेटिव। ये हमने यहां पर पढ़ा है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। लास्ट फोर्थ इज माइनस 5 इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10। अब यहाँ पे देखा आपने मल्टीप्लाई में तो 50 आएगा, अब साथ में क्या है माइनस माइनस प्लस आएगा, लिखना है तो लिख देते हैं प्लस। इसका मतलब जब सेम साइन होंगे, सेम साइन जब होंगे बेटा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। माइनस प्लस इज देयर इन दैट केस अगेन नेगेटिव, प्लस माइनस होगा तब भी नेगेटिव होगा, और माइनस माइनस पॉजिटिव, यानी कि अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव अदरवाइज पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट इज डिस्कशन अबाउट द टू नंबर्स। अब आप बोलो कि मैम माइनस 5 को मैं माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूं और फिर उसे फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैम आपने तो बोला है कि सेकंड क्या होगा चेंज, सेम साइन होगी तो चेंज नहीं होगा। इट इज टॉक अबाउट द टू और मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होनी चाहिए, उस केस में ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने एडिशन में पढ़ी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 101% आएगा, 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, जो भी आंसर आया वो इंटीजर है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें समझना होगा कि किस प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो हमें हम चाहे वो एडिशन के लिए हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन के लिए चाहे वो मल्टीप्लीकेशन के लिए हो या चाहे वो डिविजन के लिए, आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी लिखा हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई से भी दो नंबर होंगे तो हमारा आंसर मिलेगा, आंसर मिल गया 16 को मल्टीप्लाई किया 12 से 192 आ गया, इंटीजर आ गया। देन 17 को मल्टीप्लाई किया 10 से 170 आ गया, दिस इज आल्सो द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिशन में क्या होती है, हमने पढ़ी थी कि कोई से भी दो नंबर को ऐड करें उनको रिवर्स कर दें, मतलब 2 + 5 = 7, 5 + 2 इज ऑल्सो 7, तो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी। तो मल्टीप्लीकेशन में भी क्या करेंगे, 17 × 10 किया तो 170 आया, अगर मैं इसकी जगह 10 × 17 कर देती तो क्या प्रॉब्लम होती, आंसर तो सेम आता, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ यू विल डिस्कस अबाउट द थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिशन में भी पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन में भी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा था, फॉलो हो रही थी मल्टीप्ली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है मल्टीप्लीकेशन में। फॉलो होने का मतलब क्या है, हम अप्लाई कर सकते हैं, हम कोई भी दो नंबर को करेंगे इस मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली हमारे हमें क्या मिलेगा, कुछ आंसर मिलेगा, और वो जो कुछ आंसर है वही है क्लोजर प्रॉपर्टी, कि हम कोई से भी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया कुछ आंसर। वन एग्जांपल इज देयर, कुछ और लेना है ले लो, 5 × 5 सबसे बेस्ट एग्जांपल, दैट इज 25, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एक्सप्लेन हो गया आपका। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन क्या होता है, जो ये होता है कम्यूटेटिवनेस होती है, ये मिनिमम ये 2 में होती है, और जो एसोसिएशन होता है वो 3 में होता है, यानी कि हमने एडिशन में पढ़ा था 5 + 7 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 + 7 + 2 पढ़ा था। अब हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन में पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जहाँ एडिशन है वहां मल्टीप्लाई का साइन लगा, सिंपल।
क्या हो गया यहाँ मल्टीप्लाई, हियर इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, हियर इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन. एसोसिएटिव आइडेंटिटी, मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 7 × 2 से, दैट इज 14, या फिर 5 × 7 35 को मल्टीप्लाई करें 2 से, दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा 70. इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल बी फॉलो इन दिस केस. क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होगी मल्टीप्लीकेशन में, कम्यूटेटिव भी फॉलो होगा, अब एसोसिएटिव भी होगा. अब है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. हमने एडिशन में क्या पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ऐसा क्यों होता है, व्हाई द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी 1 इसलिए होती है क्योंकि ऐसा नंबर मल्टीप्लीकेशन में, ऐसा कोई नंबर हमें सर्च करना है जिसका यूज करने से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं हो. 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी में भी मल्टीप्लाई करो, 10,000, 1 करोड़, 10 करोड़, आंसर वही आएगा. दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे सिंपल नंबर 5 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर आ गया 5. ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. मतलब किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम नंबर आएगा. दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. तो ये नंबर है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कोई भी नंबर, एनी नंबर इज देयर, इट इज नॉट कंपल्सरी 5, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, व्हाटएवर यू वांट. तो हम नंबर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे. रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, 1 upon that same number. तो मैंने 5 का रेसिप्रोकल किया, दैट इज द 1. दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर. तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर. ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टूड कि हमारे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी थी, हमने वो समझ ली, हमें समझ में आ गई एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, देन मल्टीप्लीकेशन के लिए. Then commutative property, it will follow in only in addition and multiplication. Then associative property, then multiplicative identity and multiplicative inverse. I hope you all are understood these properties. Then distribution property, it is a very important property. The questions will come like that ki aapko koi bhi question de rakha hai, ye de diya, suppose aapko batana hai ki the distribution distributive properties follow in that case. Distributive property, it is not only for addition or not only for multiplication. सबसे पहले mind में ये करना है, जबकि other जो properties थी वो separate थी addition के लिए और separate ही थी multiplication के लिए. But ये जो distributive property है, इसका main motto ही यही है, for any three integers a, b, a, b, c, a into b plus c, that is equals to a into b plus a into c. हम क्योंकि हम ऐसा करते हैं, a बाहर ब्रैकेट के बाहर होता है तो हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमने एलजेब्रा पढ़ा है स्टार्टिंग में, ठीक है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी. तो हमें लर्न, ध्यान रखना है कि a into b plus a into c कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ क्वेश्चन है 7 × 2 + 7, और ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होता है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 7 × 2 × 7 × 5. यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 7 × 2 + 5 7 हो गया, मल्टीप्लाई किया 7 7 जब 49 आंसर आ गया अपना. अब हम इस पे जाते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, दोनों को ऐड किया 49. आर प्रॉपर्टीज confirm, it is observed that this is the correct property. Now we will take one more example here, −2 − 3 + 1, that is −2, multiply these, +4 will be the answer, and then −2 × −3 − −, abhi padhaya tha last mein ki −−, −−, they will change into the positive. तो +6 and −2 + 1, व्हाट विल बी द −2 + 1, दैट इज −2, ये −2 होगा.
और बाहर प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज नॉट विजिबल, प्लस बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वन लिखा हुआ है, तो वन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस टू से, तो ये माइनस टू, तो इट इज फोर. यू कैन ऑब्जर्व हियर बोथ आर इक्वल, सो वी कैन कंक्लूड इट दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल बी फॉलो इन दिस केस, एंड ए इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, where a, b, c are the integers. I hope you all are understood this property. So there is, thus this is explained. This property of integer is known as the distributive property of multiplication over the addition. Is property ka name kya hai? Property of multiplication over the addition. Addition ke saath multiplication dono ka merge hai. This is not a separate for the addition or for multiplication. वो जो separate होगी तीन integers के लिए वो होगी associative property. Okay? And distributive property समझ में आया difference? कि distributive property में क्या होता है? हमें distributive property में आप यहाँ observe करोगे कि positive plus sign और multiplication sign both are there. Multiplication भी है, positive भी है. ठीक है, बट इन केस ऑफ दैट प्रॉपर्टी ओनली द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज देयर दैट वी हैव डिस्कस इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो एंड टूडेज लेक्चर ऑल्सो. तो ये क्या प्रॉपर्टी है, इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेपरेटली पॉजिटिव के लिए एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए सेपरेट होती है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट इज अ मर्ज ऑफ मिक्सचर ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. यस, अब हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, तो जो मल्टीप्लीकेशन के रूल हैं वही क्या होंगे, डिवीजन में ही होंगे, क्योंकि डिवीजन में क्या होता है, मैं 8 को डिवाइड करूं 2 से या मैं बोलूं 8 को मल्टीप्लाई करूं 1 बाई 2 से, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, बट कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 बाई 2 जैसे ही हुआ ये इंटीजर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसके भी रूल्स डिस्कस कर लेते हैं आज. ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिविजन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि वहां रेसिप्रोकल है तो क्या होगा इसका, ये रिवर्स प्रोसेस है किसका, मल्टीप्लीकेशन का. फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड 32 बाय माइनस 4 मीन्स टू फाइंड अ नंबर बाय विच माइनस 4 शुड बी मल्टीप्लाइड सच दैट इट गिव्स द प्रोडक्ट 32, द आंसर इज माइनस 8. अब क्या है, मैंने अभी समझाया था आपको, एग्जाम्पल लिया था कि 8 को मल्टीप्लाई करो 1 बाई 2 से, तो ये मल्टीप्लीकेशन है, बट ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इंटीजर्स, हाफ इज नॉट इंटीजर. इसका मतलब क्या है, ऐसा क्या नंबर हो जिससे मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए. ओके, तो यहां पर एग्जाम्पल है 32 का, 32 बाय माइनस 4 आपको डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है, माइनस 4 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय सच अ नंबर विच गिव्स द प्रोडक्ट 2. तो किस नंबर से, मैं सपोज करूं x ले लेती हूं, x वेरिएबल है, तो मुझे 32 वैल्यू सर्च करनी है कि माइनस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस 4 को मैं, सॉरी, माइनस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूं x से, और वो मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए, तो x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस 8, क्योंकि माइनस 8 इंटू माइनस 4 क्या बन जाएगा, प्लस 32, एंड आर आंसर वेलकम. ओके, देर आर द सम एक्सप्लेनेशन इज देयर बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 24 आता है, 8 को मल्टीप्लाई किया माइनस 5 से, 8 5 जा 40, माइनस इज देयर सो माइनस साइन आ जाएगा. 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 8 3 जा 24, 1 माइनस इज देयर तो माइनस आ जाता है. अब इसी का अगर हम डिवीजन की सोचें, डिवीजन में 24 को डिवाइड करो 4 से तो 6 आता है, माइनस 40 को डिवाइड करो माइनस 5 से 8 आता है. ध्यान से देखो, मैंने डिवीजन में क्या किया, 24 था, 8 ऑलरेडी डिवाइड था, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ था वो आंसर आ गया. सेम हियर आल्सो, इससे डिवाइड किया, रिमेनिंग बचा हुआ जो था वो आंसर आ गया. इन थर्ड आल्सो इफ यू विल ऑब्जर्व, अब यहां पर देखना है आपको क्या दे रखा है कि माइनस 24 है,
ये -24 है। यहां किससे डिवाइड, किसको डिवाइड करें इससे कि आंसर -8 आ जाए। ठीक है बेटा, दीज आर द बाय मिस्टेकली दिस इज नॉट राइट, डोंट थिंक, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। 7 को हमारा प्रोसेस क्या है कि हमें क्या करना है, कोई सा भी मल्टीप्लीकेशन देखना है, कोई भी एक नंबर डिवाइड होगा तो दूसरा नंबर आएगा। मैं 24 को डिवाइड करूंगी 3 से तो -8 आएगा, 35 को डिवाइड करूंगी 7 से तो क्या आएगा, 5 आएगा डेफिनेटली, और -24 को डिवाइड करूंगी मैं -6 से तो 4 आंसर आएगा। अब यहां लिखा हुआ है -8 को मल्टीप्लाई करो कि -48 आ जाए, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, -8 यहाँ माइनस आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ अंदर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, तो मैं क्या करूंगी 48 के। आपने एलसीएम लेना सीखा था स्मॉलर क्लासेस में, तो आप एलसीएम ले ले, ऐसे लेते थे आप एलसीएम 48, जस्ट आई विल शो यू कि कैसे लेते थे आप एलसीएम, एलसीएम आप लेते थे -48 आएगा, 48 का एलसीएम ले लो, ऐसे लेते थे 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2, याद आया। अब यहां -8 लिखा हुआ है तो माइनस के साइन से हमें कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 8 कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो रिमेनिंग कितना बचा, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, और वैसे भी -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तब -48 आ जाएगा। ओके नाउ नेक्स्ट इज साइन सिस्टम फॉर द डिवीजन। व्हाट इज द साइन सिस्टम फॉर द डिवीजन, वी हैव डिस्कस द साइन सिस्टम फॉर द मल्टीप्लीकेशन, नाउ वी विल डिस्कस द साइन सिस्टम फॉर द डिवीजन। The quotient of the two integers involving the two like sign is positive or negative, that is positive. Multiplication में हमने क्या पढ़ा था कि जब same sign होंगे, चाहे वो minus minus हो या plus plus हो, तो answer क्या आता है, हमेशा plus आता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, two integers involving the two like sign is all positive or the negative, always answers will come positive. Okay. Then second rule, the quotient of the two integers having opposite sign is negative. Means क्या है कि दो numbers दे रखे हैं आपको, दो integers दे रखे हैं and both are opposite in sign, तो उसमें क्या होगा, एक plus एक minus, तो answer minus, एक minus एक plus, तो answer again minus। जैसा multiplication में होता था, क्या होता था multiplication में, एक plus तो एक minus, एक minus तो एक plus। Then properties of division. अब इसको in case of closure property, we will divide any two numbers, we will get the third number. Closure property, no division should be on non-zero. Closure property कब apply होगी, जैसे मैं लिख दूंगी 20/0, अब आप बोलोगे मैम closure property तो apply होगी नहीं, क्योंकि zero जैसे ही denominator में आता है हम उसको calculate ही नहीं कर सकते, it is infinity. So closure property will not follow. Then commutative also, suppose simple 1/2 कितना होता है 0.5, और 2/1 कितना होता है 2, are they equal, no they never be equal, 0.5 2 के equal हो ही नहीं सकता, तो closure property follow नहीं होगी division में, commutative भी नहीं होगी। In general if I am talking about these two property will not follow, तो third वाली तो वैसे ही नहीं होगी। Okay. So in case of this division, these properties will not follow. Okay? Now some examples are there for understand this concept. क्या है? 25/5, 5 है integer. 20/10, upon division sign is there, divide करना है तो 2 है, integer है. 30/7, integer होगा क्या? Integers are the perfect number with the either the positive sign or negative sign. पॉइंट में आएगा 4 पॉइंट समथिंग, तो ये इंटीजर नहीं होगा। 20/5 किया तो 4 आया, बट 5/20 किया तो 4 आएगा क्या, नो 1/4 आएगा, तो ये इक्वल नहीं होगा कभी भी। देन
36 upon 9, that is 4. Divided by 2, again 2. 36 divided by 9 by 2, 9 by 2 तो already fraction है. It is 4.5. So, 36 into 2 by 9, that is equals to 4 into 2, that is equals to 8. Means, what we can say that with the help of this example, these examples, we can say that no closure property, no commutative property, no associative property will be follow in case of the division. Okay, this is the explanation of multiplication and division of integers. In next class, we will discuss some questions, some objective and subjective questions of this chapter. Okay, thank you.